सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिडेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आप लोग कैसे रियलमी के डिवाइस को यहाँ पे मैनुअली अपडेट करें। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रियलमी के जितना भी यहाँ पे डिवाइस है सबको कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट मिल रहा है। अगर आप लोग के पास रियलमी 2 या फिर रियलमी C1 है तो आप लोग को जो कि कलरOS 5.2 का अपडेट मिलेगा, या फिर आप लोग के पास अगर रियलमी 1 या फिर रियलमी 2 प्रो है तो उन सब में जो कि कुछ स्टेबिलिटी अपडेट यहाँ पे दिया जा रहा है, और आप लोग को स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है रियलमी 2 प्रो में। तो इस सब का अपडेट जो कि मिलना शुरू हो गया 30 तारीख से, 30 दिसंबर से, लेकिन अभी तक जो कि सबको नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे रियलमी कम्युनिटी में एक जो कि आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप लोग जो कि इसको मैनुअली डाउनलोड करके अपने इसको इंस्टॉल करके अपने जो कि नेक्स्ट वर्जन में आप लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप लोग उसको कैसे करें, इस वीडियो में बेसिकली वही बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे कॉमेंट कर रहे हैं कि भाई हम लोग उसको नहीं कर पा रहे मैनुअली, लिंक भी यहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, और जो कि आप लोग उसको इंस्टॉल भी कैसे करें इस वीडियो में मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा लिंक्स, जितना भी डिवाइस आप लोगों के पास है रियलमी 2 प्रो या फिर रियलमी 2, रियलमी C1, सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग उसको सिंपल से डाउनलोड कीजिए। उसके बाद इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली आप लोग उसको कैसे उस पैकेज को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके नेक्स्ट वर्जन में आप लोग जो कि अपग्रेड हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन में जाने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ कि आप लोग कैसे जो कि नेक्स्ट वर्जन में इसको अपडेट करें मैनुअली। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कि मेरे हाथ में है रियलमी 2, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि, चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे जो कि इसका वर्जन फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैं आप लोगों को जस्ट अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जो कि इसका कलर वाइज वर्जन है वो फिलहाल अभी वर्जन 5.1 में है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, ठीक है, आपके पास अगर रियलमी 2 प्रो या फिर रियलमी 1 वगैरह है तो आप लोग कैसे करें, सेम प्रोसीजर को यहाँ पे जो कि आप लोग अप्लाई कीजिए, जो कि आप लोग भी इसको मैनुअली अपडेट कर पाएंगे। तो जो भी आपका फ़ोन है सिंपल से आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए उस पैकेज को, ठीक है। तो मैं इसको जो कि डाउनलोड कर लिया, वो कलरOS 5.2 वाला जो पैकेज एक होता है उसको मैं पहले ही डाउनलोड कर लिया, जिसका 2 GB का एक फाइल है टोटल। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि सबसे पहले आप लोग जाना होता है अपने फोन के फाइल मैनेजर में। तो ये देखिए, फाइल मैनेजर में आने के बाद जो आप लोग को मिलता है वाला फोन वाला स्टोरेज, तो इसमें आप लोग सिंपल सा चले जाएंगे। उसके बाद ये वाला जो ऑल फाइल्स वाला जो ऑप्शन आप लोग को मिलता है, तो आप लोग वो वाला जो कि फाइल जिसको आप लोग डाउनलोड किए हैं जो अपडेट वाला फाइल, तो उसको आप लोग जस्ट यहाँ पे सर्च कर लेना। तो ये देखिए मेरा जो कि डाउनलोड पे है, तो ये देखिए मेरा जो कि ये वाला फाइल है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए RMX 2 GB का टोटल यहाँ पे फाइल है। तो मैं इसको 30 दिसंबर को जो कि इसको डाउनलोड करके रखा हूँ। तो दोस्तों, ये वाला फाइल को आप लोगों को क्या करना होता है, देखिए सिंपल से आप लोग इसको टैप करने के बाद जस्ट इसको आप लोग कॉपी कीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप लोग चले जाएंगे बैक करके, ठीक है। और बैक करने के बाद दोस्तों जो कि आप लोगों का यहाँ पे पेस्ट कर देना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि मेरा यहाँ पे पेस्ट में इसको कर लिया हुआ, देखिए जो कि मेन जो ऑल फाइल से, तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लिया हूँ। तो ये देखिए सिंपल से उसके बाद आप लोग चले जाएंगे बैक करके, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रोसीजर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि यही जो कि मेन प्रोसीजर यहाँ पे होता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो कि आपके फ़ोन में 30% से अबव जो कि बैटरी आपके फ़ोन में होना चाहिए। तो ये देखिए मेरा जो कि अभी फिलहाल 90% है। तो अगर आप लोग के पास नहीं है तो सबसे पहले इसको जो कि आप लोग इसको चार्ज कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग उसको कीजिए। तो ये देखिए सिंपल से आप लोग करना क्या होता है दोस्तों, ये देखिए जो आप लोग पावर जो बटन मिलता है इसको प्रेस करने के बाद सिंपल से आप लोग जो कि फ़ोन को यहाँ पे पावर ऑफ कर देना है। तो ये देखिए मैं इसको जो कि ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये पावर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो आप लोग का करना होता है, उसके बाद का जो प्रोसीजर है, तो ये देखिए जो आप लोग को मिलता है जो पावर वाला बटन, ठीक है, उसके बाद ये जो वॉल्यूम डाउन वाला बटन जो आप लोग को मिलता है, तो इन दोनों को एक साथ आप लोग जो कि दबा कर रखना होता है। तो ये देखिए मैं दोनों को एक साथ यहाँ पे दबा कर रख रहा हूँ। तो ये देखिए जो कि एक रिकवरी मोड यहाँ पे खुलकर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जब भी ये लोगो आ जाएगा तब आप लोग इसको जो कि छोड़ दीजिए। तो ये देखिए जो कि रियलमी पावर्ड बाय एंड्रॉयड, उसके बाद कुछ यहाँ पे जो कि इंस्ट्रक्शन हम लोग को फॉलो करना होता है, उसके बाद ही आप लोग उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट कुछ टाइम लगता है, यहाँ पे जस्ट आप लोग कुछ टाइम यहाँ पे वेट कर लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा कुछ देर बाद। तो ये देखिए सिंपल से आप लोगों को मिलेगा इंग्लिश वाला ऑप्शन ऊपर में, उसके नीचे जो आप लोगों को चाइनीज़ में लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा, तो उसमें नहीं जाना है, जस्ट आप लोग जाना है इंग्लिश में। तो ये देखिए मैं इंग्लिश में टैप कर रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का मिलेगा इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस ऊपर में, तो सिंपल से आप लोग उसमें ही क्लिक करना है। तो ये देखिए मैं इसमें जस्ट क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो कि आप लोगों को प्लीज़ एंटर लॉक स्क्रीन पासवर्ड, तो चलिए मैं अपना यहाँ पे जो कि लॉक स्क्रीन पासवर्ड यहाँ पर लगा देता हूँ। देन दोस्तों आप लोग जो कि ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जस्ट ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो उसके बाद जो कि हम लोग के सामने आएगा वो वाला पैकेज, ठीक है। तो ये देखिए मैं जस्ट यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला पैकेज है जो कि RMX जो मैं पहले वाले आप लोग को जो कि पेस्ट करके दिखाया। तो उसको सिंपल से आप लोग क्या करना होता है, जैसे आप लोग उसको टैप करेंगे तो ये देखिए इंस्टॉलेशन पैकेज, दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी अनडन। तो यहाँ पे सिंपल से आप लोग जस्ट ओके पे क्लिक करना होता है। तो ये देखिए जो जैसे आप लोग इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो कि मेरा यहाँ पे अपडेटिंग, प्लीज़ वेट, प्लीज़ डोंट डू नॉट एनी अदर
ऑपरेशंस। तो यहाँ पे सिंपल से आप लोग वेट कीजिए, ये जब भी अपडेट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक ये अपडेट होता है तब तक हमारे जो कि लाइक बटन जो है आप लोग प्लीज़ एक बार प्रेस कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब वाला बटन है अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस जरूर करना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हम लोगों का यहाँ पे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा दो ऑप्शन आएगा ओके और रिबूट, तो आप लोग जो कि रिबूट में यहाँ पे क्लिक कर देना। तो चलिए मैं जस्ट यहाँ पे रिबूट पे क्लिक कर देता हूँ, फ़ोन जो कि हम लोग का यहाँ पे रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद जो कि हम लोग का आ जाएगा कलरOS 5.2 वाला वर्जन। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि हम लोग का फाइनली कलरOS 5.2 में ये जो कि कन्वर्ट हो चुका है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जस्ट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये देखिए जो कि मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाने के बाद ये देखिए जो कि है अबाउट फोन। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो कि कलरOS वर्जन 5.2.1 में ये फिलहाल अभी रन कर रहा है। कि मैं सेटिंग्स में और कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये देखिए जो कि यहाँ पे इसका जो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए जो कि उसका एंड्रॉइड जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो भी डिसम्बर का 5 यहाँ पे आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे जो कि उसका कलरOS वर्जन भी चेंज हो चुका है। तो ये कुछ इस टाइप से आप लोग उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा उसका फुल रिव्यू, कैसे ये काम करता है, यहाँ पे क्या कुछ हम लोगों को जो कि चेंजेस देखने को मिला है कलरOS 5.2 आने के बाद जो कि Realme 2 और Realme C1 में। इस वीडियो में नहीं बताता हूँ इसीलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग का पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक बार इसे लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।